हेलो देखिए अब अब साउंड आ रहा है माफी चाहते हैं अब बताइए अब साउंड आ रहा है आप लोगों को अब साउंड आ रहा है सभी लोगों को अब बताइए अब साउंड आ रहा है हाँ क्लियर हो गया मैं भी चेक कर लिया हूँ और क्लियर हो गया है अब आपको साउंड आना शुरू हो गया होगा उम्मीद करते हैं तो यहाँ पे एक फीचर्स है राइजा हैंड का फीचर्स माफ़ी चाहते हैं टेक्निकल इशू कुछ हुआ उसके लिए राइज या हैंड का फीचर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो तो बालक एक बात और मैं फिर से बता दूं सॉरी आई एक बात और फिर से बता दूं अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप हमारा कोड पोरवाल टेन का यूज कर सकते हो टेन परसेंट आपको क्या मिलने वाला है डिस्काउंट मिलने वाला है तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सभी लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताना शुरू कर दीजिए क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा साधारण टाच सेल्स के टर्मिनलों को बनाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स मेक द टर्मिनल्स ऑफ द ऑर्डनरी टाच सेल तो बताइए कौन टर्मिनल को बनाने का काम करता है ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि टर्मिनल को बनाने का काम कौन करता है तो लगाइए सभी लोग फटाफट आंसर तो यहां पे अगर हम देखें तो ऑप्शन है जिंक एंड कार्बन कापर एंड जिंक जिंक एंड कैडमियम कार्बन एंड कापर तो बता सही लोग इसका सही जवाब क्या होगा तो टर्मिनल्स को बनाने की अगर हम बात करें तो टर्मिनल्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिंक एंड कैडमियम का इस्तेमाल होता है अगला क्वेश्चन है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे कहलाता है डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड तो बताओ बच्चा कोई ऐसा अगर यंत्र है यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं ऐसा यंत्र बताना है जो केमिकल एनर्जी को किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता हो कन्वर्ट करता हो तो बताओ बेटा इसका सही जवाब क्या होगा केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता हो तो केमिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता हो कौन सी एनर्जी में तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता हो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट uh, करता हो किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो बोलो सभी लोग बाल को जो लोग हमें सबसे पहले आंसर बताएंगे उनका मैं नाम भी लूंगा और जो आंसर हमें सबसे लेट में बताएगा उसका मैं नाम नहीं लेने वाला हूं इसलिए आप सभी लोग क्या करिए हमें ज़रूर इसका आंसर कमेंट करके बताइए तो यहाँ पे अगर हम देखें ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है यहां पे इसका आंसर ऑप्शन है मोटर जनरेटर मूविंग मीटर देखिए मोटर जो होता है ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में ठीक और जो आपका जनरेटर होता है ये बच्चा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और अगर हम बैटरी की बात करें तो जो बैटरी होता है इसमें बच्चा केमिकल भरा जाता है केमिकल जिसको आप कॉमन शब्द में तजाब कहते हो एक्चुअल में वो एसिड होता है एस टू एस ओ फोर इसको भरा जाता है इसी केमिकल के द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एनर्जी बदलती है तो ये रासायनिक ऊर्जा जो बदल जाती इसी से आप बल्ब जलाते हो तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है कौन सी एनर्जी में तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है रासायनिक एनर्जी में सॉरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगला क्वेश्चन वाल को है सभी लोग बताओ माइक्रोवेव ओवन जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है माइक्रोवेव ट्यूब यूज बाई माइक्रोवेव ओवन इज बताओ बच्चा कौन सी ट्यूब है क्लिस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स क्लिस्ट्रॉन ट्यूब्स मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स या ट्रेवलिंग मूव्स, ट्रेवलिंग वेब ट्यूब्स तो बताओ बच्चा इसका सही जवाब बालक क्या होगा सभी लोग हमें कमेंट करके फटाफट बताइए कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें जो ट्यूब यूज की जाती है वो कौन सी ट्यूब इस्तेमाल की जाती है तो इसमें जो ट्यूब यूज की जाती है वो बच्चा क्लस्ट्रॉन एंड मैग्नेट्रॉन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता माइक्रोवेव का बेसिकली काम क्या होता है तो माइक्रोवेव का काम होता है खाना वगैरह को गर्म करना पिज्जा जो बनता है वो माइक्रोवेव ओवन में ही बनता है बनता नहीं बनता है अब देखो वो गर्म कैसे होता है इसका नाम माइक्रोवेव है क्योंकि इसमें इससे रिलीज होती है माइक्रोवेव कौन सी वेव? माइक्रोवेव माइक्रोवेव का मतलब होता है सूक्ष्म तरंग और जो ये तरंगे ऐसी हैं जो कौन सी तरंगे होती हैं जो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं कौन सी वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के कारण ये क्या कहते हैं खाना को आसानी से गर्म कर देते हैं और खाना गर्म हो जाता है उसको आप क्या कहते हो खाते हो हालांकि इससे लाभदायक भी है हानिकारक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब खाने को हीट कर रही होती हैं तो उस दौरान अगर जर्म या बैक्टीरिया खाने पे पनपते हैं तो वो क्या हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने के कारण जो आपके खाने में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनमें कोई भी किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोवेव का गर्म किया हुआ खाना खाना हमारे लिए बहुत स्वास्थ्य कर नहीं माना जा सकता है बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है अगला क्वेश्चन है लिखा है आंधी तूफान में कार आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे कर रहे हैं तो तड़ित बिजली एवं स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे यानी कि जो बिजली चमकती है बरसात होने लगे बिजली कड़कड़ाने लगे तो ऐसी इस दौरान अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे स्टे इन कार, कार में रहना पसंद करेंगे या शेल्टर अंडर द ट्री पेड़ के नीचे शरण लेना चाहेंगे कम आउट एंड लाइव डाउन ऑन लैंड बाहर निकलकर जमीन पर लेट जाना चाहेंगे या टच द नियरस्ट इलेक्ट्रिक पोल निकटतम विद्युत खंभे के ऊपर को छूना चाहेंगे तो बताओ बालको इसका सही जवाब क्या है तुम लोग बाल को सत्यनारायण की कथा की तरह सुनते हो कमेंट भी किया करो कि इसका कौन सा जवाब सही है क्या होता है जब गलती करके कोई चीज बेटा आप सीखते हो तो आपको वो चीजें परमानेंट याद होती हैं और जब आपको ऐसे जानकारी केवल दे दी जाती जानकारी के विभाग पे तो आपको इतना ज्यादा याद होने की गारंटी नहीं होती इसलिए क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए और एक्टिव पार्टिसिपेशन करना भी चाहिए तो बताओ आपको सभी लोग इसका सही जवाब क्या होगा यह बहुत साधारण सा क्वेश्चन है इतना रद्दी क्वेश्चन है इतना रद्दी क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका सी नहीं होगा बच्चा। इसका सिंपल सा सवाल है इन कार आंधी तूफान आ रहा हो बारिश हो रही हो बिजली कड़क रही हो तो कार में रहो सुरक्षित रहोगे बहुत सिंपल सी बात है ठीक ऐसा सी ऑप्शन इसका नहीं होगा अगला क्वेश्चन है लिखा है यक्ष किरणे जो पदार्थ में अधिकतम दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं एक्सरे विच इंटर डीप इनटू टू द मटेरियल आर कॉल्ड तो बताओ कौन से किरणें हैं जो पदार्थ में अधिकतम दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं उन किरणों को क्या कहा जाता है तो इसका सही जवाब बाल को आप सब लोग हमें कमेंट करके फटाफट बताने को बताओ सभी लोग बहुत अच्छे रमाशंकर बालक तो रमाशंकर कुमार यादव और रमाशंकर यादव हमें आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग हमें आंसर बताने का प्रयास करें जितने लोग आंसर बताएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा और आपको भी मजा आने वाला है तभी अदरवाइज ना आप मजा ले पाओगे ना हम मजा ले पाएंगे तो बताओ आपको इसका सही जवाब क्या होगा तो इसके सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है लिखा है सॉफ्ट एक्सरे कॉन्स्टेंट एक्सरे या हेड Hard या none of the above. Hard होना चाहिए. गलत लिख गया है हार्ड एक्सरे या नन ऑफ द एब तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा ये तभी इंटर कर पाएगा जब जो एक्स किरणें हैं वो बहुत हार्ड हों. क्या हो? हार्ड हो उनका फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेवल होगा भेदन क्षमता यानी कि पेनट्रेशन पावर उनकी उतनी ज्यादा होगी हालांकि आपको बता दें एक्सरे जो होती है अगर हम ये कहें कि क्या सबसे ज्यादा पेनट्रेशन पावर होती तो ऐसा कहना गलत है सबसे ज्यादा पेनट्रेशन पावर जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो भी गामा रेज जो होती हैं उनकी सबसे ज्यादा पेनट्रेशन पावर मानी जाती है वो एक प्रकार की रेडियो वेव्स हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं लिखा है तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है इसमें कौन सा अत्यधिक मात्रा में होती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज़ इट कंटेन ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि यह पूछ रहा है कि अगर बिजली कड़कती है तो पेड़ तक जल सकते हैं तो आप ये बताइए इसमें कौन से प्रकार की ऊर्जा होती है तो ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है बालकों सभी लोग हमें आंसर इसका बताओ तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर का होगा तो इसका करेक्ट आंसर बड़ा ही सिंपल होगा क्या होगा बड़ा सिंपल सवाल है तो सब लोग भाई हमें कमेंट करके बताते भी रहे कि इसका सही जवाब बालक क्या है बोलो सभी लोग आंसर आपके हिसाब से कौन सी एनर्जी होगी भैया जो बिजली कड़कती तो दो चार्ज के टकराने से ही बिजली कड़कती ये बात हमेशा जान लीजिए और जब बात कहीं पे चार्ज की आ जाए यानी कि जब बात कहीं आवेश की आ जाए चार्ज का मतलब होता है आवेश आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि इसका यूनिट जो होता है वो पुल्ब होता है ठीक तो जब बात चार्ज की आ जाती है तो इसका आंसर बिल्कुल रमाशंकर बाबू इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा जो होती है उसी के कारण एक वृक्ष में एक ट्री में क्या लग सकती है आग लग सकती है तो चार्ज चार्ज का यूनिट भी पूछता बच्चा क्या होता है तो कोलाम्ब होता है हो सकता है हो नहीं सकता ये मुझे कंफर्म है कि आपको अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन नहीं पता होगी लेकिन कोई बात नहीं है अगर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन नहीं भी पता है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं लिखा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का, का सार्वभौमिक नियम दिया था विच आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी तो बताओ बालक कौन से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कौन से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया ये सवाल आपको बताना आप है ऑप्शन है केपलर ऑप्शन है न्यूटन ऑप्शन है गैलीलियो ऑप्शन है कापर सबसे पहले सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था बोलो ये बहुत आसान सा सवाल है तो इसका भी सही जवाब बता रहे हैं बी तो बिल्कुल सही जवाब है ये तो क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग के रग रग में बसा हुआ क्वेश्चन है तो इसकी एप्पल वाली कहानी सबने सुनी होगी तो इसकी अगर बात करें तो न्यूटन साहब ने सार्वभौमिक नियम दिया था वो नियम कहता क्या है वो नियम ये कहता है ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके यम और यम के और इनवर्सली प्रपोशनल होता है आर के आर यहाँ पे अगर हम देखें तो आर जो है ये बच्चा डिस्टेंस है और यमवन एम टू की अगर हम बात करें तो ये क्या है यमवन एम टू जो आपका होता है ये आपका क्या है मास है यहाँ पे यम वन अलग ऑब्जेक्ट का मास है डिफरेंट मास है और यम टू की अगर बात करें तो यम टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट का मास है तो ये कहा जाता है ये नियम ये कहता है कि मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं एक का मास वन है और दूसरे का मास यम टू है और इनके बीच हम मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है आर है तो इनके बीच ग्रेविटी कितनी लगेगी यानी कि यफ कितना होगा तो ये कहते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच अप्लाई होने वाली जो ग्रेविटी है वो उनके मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली यानी कि इससे एक चीज और बता दें मास जो होता है ये बच्चा कांस्टेंट होता है कारण ये है क्योंकि मास पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती है और मास पे ग्रेविटी अप्लाई ना होने के कारण क्या होता है कि जब मास पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से मास जो हमारा है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है वेट और मास में बेसिक यही डिफरेंस होता है कि वेट पे ग्रेविटी अप्लाई होती है तो ग्रेविटी चेंज होने के साथ साथ वेट चेंज होता है लेकिन मास पे ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती है इसलिए ग्रेविटी चेंज होने के साथ साथ मास चेंज नहीं होता है अगला क्वेश्चन है लिखा भौतिकी में चतुर्थायाम का परिचय दिया था द फोर्थ डायमेंशन ऑफ फिजिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टीन ने दिया था न्यूटन ने दिया था गैलीलियो ने दिया था नील्स बोर ने दिया था तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का नियम किसके द्वारा दिया गया था यह सवाल है। आइंस्टीन ने न्यूटन आइंस्टीन न्यूटन गैलीलियो नील्स बोर तो इसका सही जवाब बाल बताइए क्या होगा भौतिकी में चतुर्थ आयाम का नियम जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था एनर्जी की थ्योरम जो इनकी थी यानी कि कौन सी थ्योरम जो बच्चे बच्चे को याद है ई स्क्स टू एम सी स्क्वायर इसी को चतुर्थ आयाम भौतिकी का माना जाता है तो ये सबसे पहले किसने समझाया था या किसने चतुर्थ आयाम का नियम दिया था तो आंसटाइन साहब ने नियम दिया था किसने दिया था आंस्टाइन साहब ने दिया था बहुत अच्छे मेरे लाल गुड परफॉर्मेंस अगला सवाल है लिखा है पर्यावरण को स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा सर्वोत्तम है कीप द एनवायरमेंट क्लीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज बेस्ट तो बताओ बालक इसका सही जवाब क्या होगा अगर हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहें तो एनर्जी का कौन सा सोर्स ऐसा है जो सबसे बेस्ट रहेगा तो बालक सभी लोग आंसर बताने को हम देख लेते हैं जरा शेयर कर देते हैं सब लोग बताओ आंसर सभी लोग फटाफट आंसर बाल को बोलने को बोलने को सभी लोग मैं सबका कमेंट लेने का प्रयास कर रहा हूं नाइन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है नाइन का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा ए ऑप्शन सही होगा यानी कि सोलर सेल देखिए सोलर सेल के बारे में हम आपको बता देते हैं। वैसे सोलर एनर्जी जो है ये एक ऐसी एनर्जी है जो सबसे क्लीन एनर्जी है कौन सी है सबसे क्लीन एनर्जी है नहीं आपका ए ऑप्शन पहले सही है जो पहले आपने बताया था वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे अगर हम सोलर एनर्जी का एक आंकड़ा बताते हैं आपको कि कितनी ऊर्जा हमें मिल सकती है। देखिए सूर्य जो हमारा है उससे ये कहा जाता है कि सूर्य से जो वेव निकलती हैं वो अल्ट्रा वायलेट वेव होती अल्ट्रा वायलेट वेव में दो बातें बहुत पेचीदी हैं एक बात ये भी कहा जाता है कि जो ये पराबैगनी किरणें हैं जो पराबैगनी किरणें हैं इन किरणों की अगर हम बात करें तो पराबैगनी किरणें जो हैं इनसे क्या होता है स्किन कैंसर होता है तो सवाल ये है क्या पराबैगनी किरणों से अगर स्किन कैंसर होता है तो हमको आज तक क्यों नहीं हुआ क्या पराबैगनी किरणें हम तक आती हैं तो हाँ ये तो सवाल सही है कि हम तक आती हैं अगर आए ना तो ये धूप होगी कहाँ से आए ना तो सूर्य की ये लालिमा छाएगी कहाँ से तो इसकी अगर हम बात करें गुड इवनिंग तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब जो होगा तो अल्ट्रा वायलेट रेज आती तो हैं अल्ट्रा वायलेट रेज को इसीलिए तीन ग्रेड में डिवाइड किया गया है एक ग्रेड है यूबी ए ग्रेड दूसरा ग्रेड है यूबी बी ग्रेड और तीसरा ग्रेड होता है यूबी सी ग्रेड सी ग्रेड की जो वेव होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारी जो ओजोन लेयर वेव को फिल्टर करती है वो ए बी और सी को फिल्टर करती है इनको नहीं आने देती अगर ये वाली वेब्स आए तो इसी के कारण स्किन कैंसर होने का खतरा है और इसी से स्किन कैंसर बच्चा हो भी जाएगा लेकिन एक ग्रेड की जो रेज है इस ये बच्चा बिल्कुल हार्मफुल नहीं है यही एक ग्रेड की जो वेब है यही हम तक आप तक देश तक दुनिया तक पहुंचती अब इससे थोड़ा एनर्जी का रिलेशन देख लेते हैं एनर्जी का रिलेशन की अगर हम बात करें तो एनर्जी का रिलेशन जो इसका है वो क्या है तो ये कहा जाता है कि यूवी ए ग्रेड की किरण अगर आ रही है तो अगर ये एक सेंटीमीटर क्या हो लंबी हो और एक सेंटीमीटर क्या हो चौड़ी हो और किसी प्लेस पर ये मान लो कोई प्लेस है कंटिन्यू एक मिनट तक यहां पे पड़ रही है कितने मिनट तक एक मिनट तक कंटिन्यूस पड़ रही तो जो बनी हुई एनर्जी है वो टू कैलोरी होगी कितनी होगी टू कैलोरी होगी यानी कि बनी हुई ऊर्जा जो है वो दो कैलोरी होगी बहुत सिंपल सी बात है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका सही जवाब जो बालक होगा वो क्या होगा दो कैलोरी वाला सही जवाब होगा अगला क्वेश्चन इसीलिए हम सूर्य को एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत मान सकते हैं बहुत अच्छे तुम बालक यहाँ मैथ बताने लगे बहुत अच्छे सभी लोग हमें कमेंट करके आंसर बताते रहे कि किसका कौन सा आंसर सही अगला क्वेश्चन है फोटो सेल है। फोटो सेल संबंधित है रिलेटेड किससे रिलेट करता है तो बताओ बच्चा फोटोवोल्टिक सेल की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेट करता है इसका सही जवाब बालक क्या होगा सभी लोग हमें आंसर फटाफट बताने को सब लोग बताओ तो इसकी फोटोवोल्टिक सेल की अगर हम बात करें तो ये किससे रिलेट करता सोलर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी से विंड एनर्जी से जियो एनर्जी से तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल बहुत अच्छे सबसे पहला सही जवाब है मोबोनी संगीत का बहुत प्रणय मंजूमदार का भी आंसर सही तो फोटोवोल्टिक सेल जो है ये रिलेट करता है बेटा सोलर एनर्जी से आपको बता दें जो सोलर पैनल होता है उस पर फोटोवोल्टिक सेल जो होती हैं, वो बनी होती हैं यानी कि फोटोवोल्टिक सेल लगी होती हैं। फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है किसका इस्तेमाल होता है सिलिकॉन का सिलिकॉन के बारे में आपको पता होगा सिलिकॉन जो है वो एक प्रकार का सेमी होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये करती क्या है सेल तो जो फोटोवोल्टिक सेल हैं फोटोवोल्टिक सेल जो है ये इनका काम क्या है तो इनका काम होता है सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करना तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको बता दें जैसे कोई जो देखे सैटेलाइट पे भी अगर हम बात करें तो सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट और दूसरे होते हैं सिंथेटिक सैटेलाइट यानी कि जो ह्यूमन मेड मानव मेड होते हैं तो जो नेचुरल होते हैं उनका तो अलग एक रहस्य है या उनकी एक अलग थ्योरी वो अलग तरीके से मतलब एनर्जी कैप्चर करते हैं लेकिन जो ह्यूमन मैन मेड सैटेलाइट हैं जिनको लॉन्च किया जाता है वो भी एनर्जी फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू सोलर एनर्जी से ही गेन करते हैं अगला सवाल की ओर चलते हैं लिखा है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है कितनी होती है बच्चा प्लूटोनियम इसके नाभिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है तो बताओ बेटा आंसर इसका सही जवाब क्या होगा सब लोग आंसर वाल को बताने को इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग आंसर बताओ तो इसकी अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर अलेवन सब लोग जितनी जल्दी आप हमें आंसर बताओगे उतनी जल्दी हम आपको बताना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट तो इसका सवाल बता रहे हैं रमाशंकर जे जे पी एस भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कह रहे हैं बी तो बिल्कुल जे जे पी एस का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है इसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं कितने 148 होते हैं कितने न्यूट्रॉन होते हैं 148 होते हैं बहुत अच्छे मेरे लाल अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये तो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बचपन से लेकर पचपन तक इंसान पढ़ता रहता है और ये भूलने वाला नहीं अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने बच्चों को भी यही पढ़ाओगे कि भैया भारी जल का फार्मूला जो होता है वो कौन सा होता बिल्कुल सही जवाब है भारी जल का फार्मूला जो होता है वो कौन सा है तो वो है डी टू ओ डी टू ओ बनता कैसे है किसने बनाया था ये बता देते हैं जैसे हाइड्रोजन का नाम सुना होगा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसके तीन आइसोटोप्स होते हैं क्या होते हैं तीन आइसोटोप्स होते हैं कौन कौन से होते हैं तो एक होता है वन एच वन यानी कि प्रोटियम दूसरा होता है वन टू यानी कि ड्यूटेरियम तीसरा होता है वन थ्री यानी कि ट्राइटियम इन तीनों आइसोटोप्स में जो आपका वन एच टू है यानी कि ड्यूटेरियम इसी ड्यूटेरियम आइसोटोप से तैयार होता है डी टू ओ सबसे पहले बनाया किसने था तो इसको बनाया गया था सबसे पहले बच्चा किसके द्वारा तो सबसे पहले बनाया गया था यूरे के द्वारा डी टू ओ यानी कि जो भारी जल है इसका यूज़ किसके किसमें किया जाता है तो इसका यूज़ जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर पर किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं तो एज अ मॉडरेटर का के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है हालांकि मॉडरेटर के तौर पे ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल होता है लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो रही होंगी समझ में आ रही होंगी अगर बाल को समझ में आ रहा है तो सब लोग हाँ भी करते रहो अगला क्वेश्चन है लिखा निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित होता है विच पार्टिकल इज फ्री चार्ज किसी पे भी कोई इसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता तो बताओ बच्चा कौन सा पार्टिकल इसमें ऐसा है जिस पर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता ना वाला प्रोटियम से नहीं ड्यूटेरियम से बनता है किससे बनता है ड्यूटेरियम से बनता है तो सभी लोग आंसर बालक बताने को सब लोग आंसर बताओ हम तुम लोग के कमेंट ले रहे हैं तो अब रमा शंकर बता रहे हैं न्यूट्रॉन बाकी लोग भी बताओ बालक बाकी लोग भी बताओ जबुआ भर के लोग जुड़े हो और तुम लोग हमें आंसर नहीं बता रहे हो बिल्कुल सही जवाब है सभी का आंसर सही आ गया है न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो इस पे बच्चा किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता देखिए अगर हम जब एटॉमिक मॉडल को तैयार करते हैं तो एक होता न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अगल बगल जो होता है वो होती सेल क्या होती हैं सेल होती हैं ठीक सेल का नाम के एल एम एल चार सेल बनाई जाती हैं जो बोर बरी साहब ने बनाया था न्यूक्लियस में दो ही लोग रहते हैं एक तो प्रोटॉन रहता है दूसरा न्यूट्रॉन रहता है और जो सेल होती हैं इनमें चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन्स कौन चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन ठीक हमने ऐसे बना दिया है अदरवाइज लीगल तौर पे पहली सेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरी सेल में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं चौथी सेल में बत्तीस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर ऑलवेज निगेटिव चार्ज होता है न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन चार्ज फ्री होता है तो न्यूट्रॉन ही ऐसा है जो क्या है चार्ज फ्री है यानी कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है तो इसका सही जवाब जो होगा वो कौन सा होगा न्यूट्रॉन होगा अगला क्वेश्चन बालक आप सभी लोगों के स्क्रीन पे है बहुत अच्छे रोशनी कुमारी भी जुड़ी सभी लोग आंसर हमें बताने का प्रयास करो अगला क्वेश्चन बालको है लिखा अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, है? हाँ कौन सा सही सुमेलित है बताओ इसमें कौन सा सही सुमेलित? सुमेलितरा इलेक्ट्रॉन टी गोल्ड स्टीन थे अल्फा पार्टिकल की खोज डब्ल्यू सी रॉन्टजन थे न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक थे प्रोटॉन की खोज जे जे थॉमसन थे तो बताओ बेटा इसका सही जवाब बोलो मेरे लाल सभी लोग आंसर बताओ बहुत ही अच्छा तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी ऑप्शन न्यूट्रॉन की खोज साहब साहब ने ने की की थी किसने की थी किसने अगला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको माना जाता है रिगार्डेड तो द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो बताओ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको मानते हैं सभी लोग इसका आंसर फटाफट बताने को सब लोग फटाफट आंसर बताओ बालको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसका सही जवाब है लेवाइसियर लेवाइसियर साहब भी बहुत मेहनत किए ये बेचारे काली मिट्टी कीमिया से बना है कीमिया का मतलब होता काली मिट्टी काली मिट्टी में कुछ तत्व ढूंढने के लिए निकले थे बेचारे मिट्टी बटोते बटोते खुद बटुर गए तब जाके कुछ एलिमेंट आपको मिल पाए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं लिखा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः अठारह और बीस है तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा एक तत्व है जिसका कोई तत्व है हमको पता नहीं है जिसका कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या अठारह इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और न्यूट्रॉन की संख्या 20 है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा यह आंसर आपको बताना है सभी लोग बताओ आंसर बहुत अच्छे सरमाना बनर्जी भी जुड़ गई तो इसका सही जवाब जो बालक होगा वो क्या होगा तो इसका सही जवाब होगा थर्टी एट क्या आंसर होगा थर्टी एट क्यों क्योंकि जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे प्रोटॉन हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सॉरी जितने प्रो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं प्रोटॉन भी अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इस टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होता है तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक नया फिगर आएगा जिसका नाम है थर्टी एट तो हमारा एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा थर्टी एट बहुत अच्छे मेरे लाल अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं लिखा इसमें कण कौन सा है वन फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन है प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है पाई मेसान है या क्वार्क है तो बताओ इसमें सही जवाब बाल कौन सा होगा सब लोग फटाफट हमें आंसर बताने को तो इसका बिल्कुल 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 अगला सही जवाब देखते हैं क्या होगा मूलभूत कौन मूलभूत कण कौन सा है फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है तो फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो देखो बालक सभी लोग फटाफट आंसर बताने को तो इसका फंडामेंटल पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो इसका सही जवाब जो होगा वो न्यूट्रॉन होगा क्या होगा बच्चा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटानों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं एटम्स विच है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और कॉल्ड यानी कि जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो उनको क्या कहा जाता है सवाल ये है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो सबसे पहला सही जवाब जो लगाया है सरमाना बनर्जी अब तुम लोगों को बता दें जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसी का केवल नाम लिया जाएगा तो सरमाना बनर्जी का आंसर बिल्कुल सही है इसको आइसोटोप्स कहते हैं समस्थानिक कहते हैं जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो 1h2, 1h3, 1h4, 1, 1h2 नहीं दूसरा होगा 1h1, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम ये बच्चा आपके क्या है आइसोटोप्स हैं। कार्बन के भी होते हैं सिक्स कार्बन ट्वेल्व होता है और सिक्स कार्बन फोर्टीन भी होता है सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किसके आइसोटोप्स होते हैं तो आंसर हो जाता है पोलोनियम का कितने होते हैं तो ट्वेंटी सेवन होते हैं कितने होते हैं ट्वेंटी सेवन होते हैं अगर आपसे कहीं क्वेश्चन किया जाए कि सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके हैं तो सबसे ज्यादा आइसोटोप्स बेटा जो होते हैं वो किसके होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं किसके होते हैं पोलोनियम के होते हैं और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए सबसे ज्यादा आइसोटोप्स किसके तो आंसर क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा पोलोनियम कितने तो ट्वेंटी सेवन कितने वाला ट्वेंटी सेवन बहुत अच्छे मेरे लाल अगला क्वेश्चन सभी लोग बताने को बब्बू लाल भी हमारे साथ जुड़ गए लिखा निम्नलिखित तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं पाया जाता है न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं यह भी अभी बता देंगे तभी आपको पता चल पाएगा बहुत अच्छे सबसे पहला सही जवाब आया है किसका सरमाना बनर्जी का चलिए सरमाना बनर्जी का आंसर सबसे पहला सही है इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब बच्चा क्या है तो सॉरी इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन कैसे हम न्यूट्रॉन निकालते हैं ये देखो जैसे सपोज दैट कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है एटॉमिक वेट 40 होता है कितना होता है 40 होता है अब पूछे इसके इलेक्ट्रॉन कितने तो इलेक्ट्रॉन जितने भी एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन पूछे इसमें प्रोटॉन कितने तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन पूछे इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं तो इससे घटाया जाता है चालीस से अगर बीस घटा दें तो हमारा आंसर आएगा बीस यानी कि इसके पास न्यूट्रॉन भी कितने हैं तो बीस है कोई बात नहीं है बालक ठीक तो अब देखिए हाइड्रोजन की अगर हम हालत देखें तो हाइड्रोजन की अगर हम हालत देखें तो क्या है हाइड्रोजन का होता है वन एच वन अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर हम क्या कहते हैं प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन अब इसके पास न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक से एक घटा दो तो कितना हो गया ज़ीरो हो गया तो इसके पास ज़ीरो न्यूट्रॉन होते हैं जिस एलिमेंट के पास न्यूट्रॉन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़ीरो हैं यानी कि जिसके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़ीरो हैं वो तत्व को अनस्टेबल माना जाता है यानी कि वो तत्व जो होता है वो क्या तत्व जो होता है वो अस्थाई होता है अगर भाई कोई अस्थाई है जैसे तुम ही हो मान लो तुम्हारा घर द्वार कुछ भी नहीं है सपोज दैट कुछ समय के लिए घर वालों ने तुम्हें निकाल दिया है तो तुम्हारा पता जो होगा वो अस्थाई पता होगा इसीलिए जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फॉर्म में दो ऑप्शन दिए जाते हैं भरने के लिए एक होता है पता दूसरा होता अस्थाई पता इस्था... स्थाई पता की अगर बात करें तो वो जहाँ पे आप हमेशा मिल सकते हैं आस्थाई पता जो आपका बदलता रहता है गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग गुलशन बाबू तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कहने का मतलब क्या आस्थाई कभी यहाँ दिखता कभी वहाँ दिखता और आस्थाई लोगों को कहा जाता है हिंदी का एक शब्द इस्तेमाल किया जाता कहते हैं कि तुम भैया क्या आवारा हो तो ये एक चीज जान लीजिए ये सवाल पूछा जाता है कि आवारा तत्व किसको कहा जाता है तो आवारा तत्व किसको कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है हाइड्रोजन जितना ही आवारा है उतना ही उम्मीदों से भरा है हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन ही फ्यूचर फ्यूल हमारा होगा यानी कि हाइड्रोजन हमें बहुत कुछ देकर भी जाने वाला है अगला सवाल है लिखा है नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज फॉलोइंग तो बताओ बच्चा नाभिक के आकार की कोटी जो होती है वो कितनी होती है सभी लोग इसका आंसर बताने को बालक नाभिक के आकार की कोटी क्या होती है बहुत अच्छे तो इसका सबसे पहला सही जवाब जो बिल्कुल सही जवाब है सरमाना बनर्जी का वन इन टेन टू दी पावर फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन मीटर ये इसकी क्या होती है कोटी होती है बिल्कुल मेटल के साथ पॉप साउंड के साथ बन गुड परफॉर्मेंस अगला क्वेश्चन है समस्थानिक होते हैं बता दो आंसर सभी लोग देख के वाला, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं क्योंकि इसका बड़ा बड़ा इसका लिखा हुआ है बताओ आंसर फटाफट सब लोग बताओ आंसर देखते हैं सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला सही जवाब तो ये पूछ रहा है समस्थानिक क्या होते हैं तो जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो उसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं यानी कि समस्थानिक कहते हैं तो इसका सही जवाब सबसे पहले भाई सरमाना बनर्जी का ही आया है गुड परफॉर्मेंस देवी जी संपूर्णानंद भी हमारे साथ जुड़े हैं सुदीप घोष भी जुड़े हैं ज्योत्सना कुमारी भी जुड़ी हैं लेकिन सभी लोग जितने लोग जुड़े हो बालक सभी लोग थोड़ा स्पीड में और सबसे पहले आंसर देने की सबसे पहले प्रतिक्रिया देने का कोशिश करें बहुत अच्छे गुड परफॉर्मेंस अगला क्वेश्चन है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिफर टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसको रिफर करता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिफर करता है तो बताओ वाला किसका सही जवाब क्या होगा बिल्कुल इसका सही जवाब सबसे पहला जो आया है वो मेरेन मॉय मंडल का आंसर आया है ये बच्चा सेप को बताता है किसको बताता है शेप को डिसाइड करता है किसको डिसाइड करता है शेप उसका साइज क्या होगा ठीक है अगला क्वेश्चन है लिखा है परमाणु के कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है इन एटम ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्नड बाई तो बताओ इसका सही जवाब बालकों क्या होगा सब लोग आंसर लगाने को तो इसका सही जवाब करेक्ट आंसर इसका क्या है सभी लोग आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर तेईस बिल्कुल सही जवाब है नियंत्रित फो द ऑर्डर ऑफ द गिवेन ये बच्चा नहीं वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में गड़बड़ है लेकिन वैसे यह नियम लगेगा हुंड का किसका नियम लगेगा हुंड का नियम हुंड साहब ने ही बताया था कि में इलेक्ट्रॉन्स को तब तक हम भरते रहते हैं जब तक कोई आर्बिट कंप्लीट रूप से फुल ना हो जाए तो सी ऑप्शन इसका होगा हुंड साहब का अगला क्वेश्चन है लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणविक कण नहीं है विच फॉलोइंग सब एटोमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन नहीं है प्रोटॉन नहीं है ड्यूट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं है सब एटोमिक पार्टिकल्स तो बताओ कौन नहीं है सब एटोमिक पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो बालकों जरा हमें बताने को अफवाह नहीं होगा तो इसका सही जवाब सबसे पहले किसका है सबसे पहले सही जवाब न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल सही जवाब है तो इसका सही जवाब होगा क्या ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इज द करेक्ट आंसर सब एटॉमिक पार्टिकल अगला क्वेश्चन है बालकों। लिखा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम लोग बच्चा एग्जाम न... पेपर को धो धो के क्या कहते हैं आंसर लगाओगे ठीक है उड़ा के आओगे पूरे पूरे आंसर और जब तक उड़ा ना दो तब तक मजा क्या बिल्कुल सही जवाब सबसे पहला सरमाना बनर्जी दूसरा संपूर्णानंद बहुत अच्छे तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब बालक क्या है चैडविक चैडविक की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका सही जवाब है मजा आता जब आसान सा क्वेश्चन आता तुम धड़ 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 आंसर लगाना शुरू कर देते हो तो ये होगा आंसर अगला क्वेश्चन है लिखा परमाणवीय नाभिक की को खोजा था डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस रदर फोर्ड ने खोजा था डाल्टन ने खोजा था आइंस्टीन साहब ने खोजा था या थॉमसन साहब ने खोजा था तो लगाओ आंसर बच्चा परमाणु नाभिक को किसने खोजा था तो परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी बहुत अच्छे तो इसका सही जवाब क्या है रदरफोर्ड। इन्होंने ही बताया था कि परमाणु मॉडल जो होगा वो कैसा होगा बिल्कुल 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 ये तो फैक्ट वाले क्वेश्चन बा परमाणु के नाभिक में होते हैं कौन कौन होता है अभी मैं बताया हूं परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है यही क्वेश्चन है कौन होता है सभी लोग आंसर लगाने को मेरे लाल मेरे लल्लाह आंसर लगाओ फटाफट तो इसकी अगर बात करें तो कौन कौन होता है तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो 27 का सबसे पहला सही जवाब सरमाना बनर्जी का अभी बताया था कि एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं बाकी आर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बताया था नहीं बताया था लेकिन तुम तो जाते हो तुरंत भूल इतना भूलने की मेमोरी तुम्हारी फास्ट कैसे हो सकती है मेरे लाल अगला क्वेश्चन है लिखा एक परमाणु के केंद्र का धनावेश हिस्सा कहलाता है पॉजिटिव चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड क्या कहलाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस तो बता बच्चा इसका सही जवाब इंटरेस्ट नहीं तो मत पढ़ाओ वाह बालक अब तुम हमको बताओगे कि इंटरेस्ट नहीं तो ना पढ़ाए हैं, हैं अब ये तुम हमारे दिल की बात बहुत जल्दी जान गए अंतर्यामी तुम बहुत बड़े हो ठीक है पाव भाजी बाला सुधर जाओ बेटा हम हर टीचर जैसे टीचर नहीं नहीं तो अभी सुन जाओगे मुझसे कुछ ठीक है इसलिए शांत हो जाओ ठीक है हाँ नहीं तो जो दांत निकल रहे हैं हबड़ा हो जाओगे सारे दांत गिर जाएंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा धन आवेश हिस्सा कौन सा होता चलो इनको छोड़ो तुम लोग कमेंट करो अपना अपना बताओ आंसर ठीक इसकी अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब पॉजिटिव हिस्सा जो होता है वो क्या होता है प्रोटॉन अभी हमने आपको ये बताया था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्ज फ्री होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऑलवेज निगेटिव चार्ज होता है अगला क्वेश्चन लिखा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट तो बताओ सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है बोलो बालक बताओ इसका सही जवाब इसका सबसे पहला सही जवाब सबसे पहला सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सबसे पहला सही जवाब क्या है तो इसका सबसे पहला सही जवाब है सरमाना बनर्जी का यूरेनियम की अगर हम बात करें तो सबसे भारी क्या होता है सबसे भारी हैवी एलिमेंट होता है लेकिन दूसरी बात एक और आपको बता दें कि ये जो तत्व है इसके दो आइसोटोप्स इसके भी हैं एक होता है जो यूरेनियम 235 होता है और दूसरा होता है जो यूरेनियम 238 होता है यूरेनियम 235 की अगर बात करें तो ये पूरी दुनिया में लगभग दो से तीन परसेंट तक ही पाया जाता है और यूरेनियम 238 की अगर हम बात करें तो ये पूरी दुनिया में आपको पाया जाता है लगभग नाइन्टी के आसपास इसलिए जितने लोग हैं सबके पास जितने लोगों के पास एनर्जी के सोर्स के रूप में अगर किसी का यूज किया जाता किसी यूरेनियम का तो फिर यूरेनियम 238 का ही इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन है और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है बताइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल्स पेयर बताओ बालक देखो बालक सुन लो अब हम थोड़ा तुम लोगों को बता ही देते हैं एक हैं नीरज कुमार ठीक और दूसरे बालक हैं पाव भाजी देखो सुन मेरी बात अब तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो हम तुम्हारे कमेंट को नोटिस नहीं करते हैं किसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो क्या कर रहे हो डजेंट मैटर ठीक है ये आखिरी क्वेश्चन था इसलिए अब हम तुमको अच्छे से समझा देते हैं फुटकर में समझा देते हैं पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो आप ये मान लीजिए इससे कोई लाभ है नहीं आप हम हो या कोई हो आप किसी की मतलब क्या कहते हैं आप किसी पे अगर प्रश्न चिन्ह उठाते हो जब आप किसी के तरफ एक उंगली उठाते हो तो तीन उंगली खुद को इशारा करती मैं इतना जानता हूँ कि इस तरह चिल्लाने से सुन लो हाँ हाँ हम जानते हैं तुम किसके अब हम वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम एजुकेटर हैं और दूसरी सबसे ख़ास बात यह है कि हमको ये पता चल रहा है कि तुम भी पढ़े लिखे हो लेकिन जो बिहेव कर रहे हो बिल्कुल गांव के एक जो बिल्कुल पढ़ा लिखा अनपढ़ इंसान होता वैसा बिहेव कर रहे हो बिहेव तुम वैसा कर रहे हो ठीक है बिहेव ऐसा कर रहे हो जो एक अनपढ़ इंसान होता है लेकिन क्या कहते हैं तुम पढ़े लिखे हो मुझे लग रहा है क्योंकि तुम इंग्लिश में कमेंट कर रहे हो इसका मतलब तुम अंगूठा टेक तो पक्का नहीं हो ठीक तो इतना तो कम से कम सीखो इतने तो तुम्हारे अंदर मेहनत होने चाहिए कि एक एजुकेटर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए तो चलिए फिर मिलते हैं आप ब्रेक के बाद वैसे इसका आंसर सही है क्या सी ऑप्शन तो सभी लोग जान लीजिए तो चल दिए मिलते हैं ब्रेक के बाद तब तक के लिए टाटा बाय बाय आप सभी लोगों को एक और जानकारी दे दें अगर आपको कोई गलत जानकारी देता अन अकेडमी के बारे में तो कंप्लेंट कर दीजिए उसकी और आपको उसके लिए प्राइज भी मिल सकता है और दूसरी चीज क्या कहते हैं आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आप ब्रेक के बाद तब तक के लिए टाटा बाय बाय अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो सभी लोग लाइक करें और शेयर करें और क्या कहते हैं अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टाटा बाय 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 बाय